आज की जो क्लास है, इस आज की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बीएस गुहा का वर्गीकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है जो डॉक्टर बीएस गुहा द्वारा 1931 में जो जनगणना के आंकड़े आए उसके आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया। हर्बर्ट रिस्ले का जो वर्गीकरण था वह वर्गीकरण आधारित थे 1901 की जनगणना के आधार पर। डॉक्टर गुहा ने भारत के विभिन्न भागों के 2500 से भी अधिक व्यक्तियों की मानवमितीय एंथ्रोपोमेट्रिक जो पद्धति है उसको लेकर प्रजातियों का वर्गीकरण किया और इसे सर्वमान्य वर्गीकरण भारत का माना जाता है। तो प्रजातियों की उत्पत्ति और उसके वर्गीकरण के क्षेत्र में किया जाने वाला ये सबसे सफल और वैज्ञानिक अध्ययन है और यही कारण है कि डॉक्टर जो गुहा ने जो निष्कर्ष निकाले उसी को आधार मानकर हट्टन ने भी अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से हट्टन तथा जो सोशियोलॉजी के एक बहुत बड़े विचारक मजूमदार साहब ने भी इसे स्वीकार किया और कहा है कि भारतीय प्रजातीय इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण खोज है और यही कारण है कि डॉक्टर गुहा का ये वर्गीकरण हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से वर्गीकरण किया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने जो प्रजातियों का वर्गीकरण किया उसमें सबसे पहली प्रजाति बताई निग्रिटो। निग्रिटो भारत की सबसे प्राचीनतम प्रजाति मानी जाती है डॉक्टर गुहा के अनुसार। निग्रिटो जो प्रजाति है वो निग्रोइड की ही एक शाखा है और इस प्रजाति के जो लोग है बहुत कम मिलते हैं, यानी शुद्ध रूप में इस प्रकार के जो लोग हैं वो बहुत कम मिलते हैं। मालाबार की कादर ये एक जनजाति है, पुलाया, असम की नागा, बिहार के पूर्वी भागों में रहने वाली कुछ जनजातियां के रूप में इन निगीटों की पहचान हुई है और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में भी इस प्रजाति के होने का दावा उन्होंने किया है। क्या विशेषताएं हैं? तो रंग काला, छोटा कद, चौड़ा सिर और ऊन की तरह इनके बाल होते हैं, नाक छोटी और होंठ जो होते हैं वो मोटे होते हैं। इस प्रकार की प्रजातियों को इन्होंने निग्रिटो के संदर्भ में रखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरी जो प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट भारत में बाहर से आकर बसने वाली पहली प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, यानी ये विदेशी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये प्रजाति ऑस्ट्रेलिया से भारत आई, लेकिन दूसरे कहते हैं कि ये जो प्रजाति हम पढ़ रहे हैं वे पैलेस्टाइन से आने वाले खनिज पदार्थ तो कंते का सबसे पहले हमने लो एस्क के बारे में जब निग्रिटो के लो एस्क के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण संबंध हुए उससे एक संकर मैंगनीज को ऐसे देखे तो हमारे आम जीवन में हमें लगता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। निग्रिटो के बाद भारत में इनका प्रवेश हुआ नहीं है। ये ऐसा धातु है कहा जाता जो हमें ये भारत वैसे साधारण रूप में नहीं दिखाई देता लेकिन हमारे जीवन का एक अभिन्न जो है इस मैंगनीज का जो है किस प्रकार से तो कहा जाता है कि ये भारत की मूल द्रविड़ जाति है। वही भारतीय समाज में इसे निषाद कहा जाता है। निषाद की कथा आपको कहीं पौराणिक कथाओं में देखने को मिल सकती है। डॉक्टर गुहा कहता है कि मध्य भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक अधिकांश जो जनसंख्या पाई जाती है वो इसी प्रजाति के लोग हैं, वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट है। वेदा, केंचू, मलायन, मुंडा, संथाल, कोल और भील ये सभी प्रजातियां प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट है। क्या विशेषता है? कद इनका छोटा, रंग काला, लहरदार या घुंघराले बाल देखने को मिल सकते हैं, बाल चौड़ी और चिपटी, नाक, उभरा हुआ ललाट और लंबे से मध्यम कद इनका मिलता है और मोटा होंठ जो है इनको देखने को मिलता है। इस प्रकार से इनका जो सिर भी है वो भी काफी आपको लंबा देखने को मिल सकता है। तो ये विशेषताएं जिनमें मिलती है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट है। तो दो हमने पढ़ लिया, एक निग्रिटो और दूसरा होगा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। तीसरा जो है वो वर्गीकरण इन्होंने जो प्रस्तुत किया है वो है मंगोलाइट। अब ये जो मंगोलाइट जो प्रजाति है उस मंगोलाइट प्रजाति की क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, पढ़ते हैं आगे। तो इस प्रजाति का प्रवेश
बाद में, सबसे पहले निग्रिटो आए, निग्रिटो के बाद प्रोटोस्टेलाइट, और उसके बाद ईसा के प्रथम शताब्दी तक इसका प्रवेश भारत में माना जाता है। मूल स्थान इरावली नदी, ठीक है, म्यांमार, चीन, तिब्बत और मंगोलिया, ये इनका उद्गम। मध्य एशिया से प्रजाति, मध्य एशिया से ये प्रजाति हिमालय जो आई, ये प्रजाति आई अभी इन क्षेत्रों में रहती हैं, लेकिन मध्य एशिया में हमने कहा था कि विभिन्न जो प्रजातियां हैं उनका जो उद्भव है वो सेंट्रल एशिया में हुआ, तो हिमालय के पर्वत में इन्हें धकेल दिया गया। तो धीरे धीरे ये कश्मीर से लेकर असम तक ये पर्वतीय क्षेत्रों में मंगोलाइट पाई जाती है। क्या विशेषता है, इनका चेहरा सपाट, छोटी तिरछी आंखें होती हैं, कद होता है औसत, शरीर पर बाल बहुत कम देखने को मिलते हैं, पीला गोया रंग यानी श्वेत रंग का भी हो सकता है और पीत वर्ण का भी इनका रंग हो सकता है, सिर पर इनके लहरदार बाल पाए जाते हैं। इनको भी इन्होंने दो भागों में उपवर्ग सब डिवीजन किया, तो प्राचीन मंगोलाइड और एक हो गए तिब्बती मंगोलाइड, ठीक है। तो इसको प्राचीन जो मंगोलाइड होते हैं उनको पीली मंगोलाइड कहते हैं, इनकी त्वचा का रंग क्या होता है, पीले रंग का होता है। इनको भी इनको दो भागों में इन्होंने बांट दिया, जो लंबे सिर वाले होते हैं जो उत्तर प्रदेश और असम के क्षेत्रों में मिलते हैं, और जिनके चौड़े सर होते हैं वो नेपाल, म्यांमार तथा नागालैंड के क्षेत्रों में मिलते हैं। दोनों में अंतर केवल सिर की बनावट का है, एक का सिर लंबा है और एक का चौड़ा है। तिब्बती जो मंगोलाइड होते हैं उसके रक्त में बी ग्रुप ज्यादा पाया जाता है, और ये जो मंगोलाइड है तिब्बती मंगोलाइड, ये तिब्बत, भूटान और हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पर निवास करता है। तो इस प्रकार से हमने तीन अभी तक पढ़ लिए हैं, सबसे पहले हमने निग्रिटो को पढ़ा, फिर हमने प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट को पढ़ा, और तीसरे नंबर पर हमने मंगोलाइड को पढ़ा। नेक्स्ट है मेडिटेरियन, ठीक है। गुहा जी कहते हैं कि भारत में लंबे सिर वाली प्रजाति के कई रूप उपलब्ध होते हैं, इस आधार पर हम उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो प्रजाति है ये अनेक भागों से विभक्त होकर भूमध्य सागर की ओर से, या जो मेडिटेरियन सागर सी है वहां से ये भारत की ओर आई। इसको भी इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया, एक तो प्राचीन जो सबसे बाद में आए, सबसे पहले आए, तो इसके आधार पर उन्होंने बताया कि ये जो सबसे पुरानी जो प्राचीन भूमध्य सागर ये है, ये सबसे पहले यहाँ पर भारत में आए, ये दक्षिण भारत तक पहुंच गए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इस प्रजाति के लोग मिलते हैं, जिनका कद मध्यम, लंबा सिर, ऊंची खोपड़ी, काले से भूरा रंग, छोटी नाक, उभरा हुआ लाट, पतली ठोड़ी, काले लहरदार घुंघराले बाल और सामान्य होठ इसकी विशेषताएं देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय आर्यों की बात करें तो ये जो प्रजाति है 3000 वर्ष पूर्व भारत आए, सिंधु और गंगा का जो मैदान है वहां पर आकर बसे, और फिर यहाँ पर पहले एक प्रजाति रहती थी वो थी द्रविड़ प्रजाति, उसको उन्होंने क्या किया, दक्षिण में धकेल दिया, क्योंकि एक प्रजाति जब किसी दूसरे क्षेत्र पर आती है तो मूलतः उस क्षेत्र में कोई प्रजाति रहती है तो उसको वो वहां से डिस्प्लेस कर देते हैं, वहां से धकेल देते हैं, तो उन्होंने द्रविड़ जाति को दक्षिण में धकेल दिया। उत्तर भारत की बड़ी जितनी भी जो जातियां पाई जाती हैं उसमें इसी प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। विशेषताएं क्या है, कद मध्यम, गोरा रंग, सुडोल शरीर, बड़ी बड़ी आंख, पतली नाक, सामान्य सिर, काला और लहरदार बाल और चेहरा लंबा। और तीसरा जो प्रकार है वो है ओरिएंटल, पूर्वी प्रकार की, ईसा पूर्व बाद या ईसा बाद का जो क्षेत्र है। तो मध्य एशिया से भारत आने वाले जो तुर्क थे, अरबी थे और ईरानी, ये तीनों ही जो है बाहर से आए थे। तो इस प्रकार से तुर्क, अरबी और ईरानी यहाँ पर आए और आकर यहाँ पर बस गए। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ये लोग पाए जाते हैं जिन्हें ओरिएंटल कहा जाता है। कद लंबा, गोरा रंग, नुकीली नाक, लहरदार बाल, बड़ी बड़ी आंखें और सुडोल ललाट इनकी पहचान है। नेक्स्ट है पांचवा वर्गीकरण, चौड़े सिर वाली प्रजाति, ब्राचिशेफालिक, ठीक है। क्या विशेषता है, इन्हें चौड़े सिर वाली प्रजाति कहा जाता है क्योंकि इनका जो मूल स्थान है पश्चिमी और मध्य यूरोप माना जाता है। इसको भी इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया, सबसे पहले बात करते हैं अल्पाइन, इस प्रजाति के लोग गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। कद चौड़ा,
मध्यम कद, चौड़ा सिर, पतली नाक, शरीर पर बहुत अधिक बाल देखने को मिलते हैं। शरीर सुगठित, चेहरा गोल और गोरा रंग। इसी प्रकार से डिनारिक, दूसरा जो वर्गीकरण इसी का, चौड़े सिर वाली का। तो इसमें डिनारिक की क्या विशेषता है? तो ये डिनारिक एक पर्वत है, जैसे कि आल्पस पर्वत के पास पाया जाता है, तो भूमध्य सागर के ठीक ऊपर की तरफ ये डिनारिक पर्वत है, आल्पस पर्वत का हिस्सा है। तो इसकी जो विशेषताएं पाई जाती है, किस प्रकार की पाई जाती है, तो नामकरण जो है डिनारिक पर्वत के आधार पर हुआ। तो उस क्षेत्र में इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। तो लंबा कद, लंबी नाक, ठीक है, रंग भूरा, काले बाल, सामान्य आंखें, ऊंची खोपड़ी और दबा हुआ ललाट। ललाट जो है वो अंदर की तरफ दबा रहता है, ये इसकी विशेषता है। तीसरा जो है वो है आर्मिनाइड, ठीक है। तो महाराष्ट्र के पारसी, बंगाल में रहने वाले कायस्थ और उत्तरी भारत के जो क्षत्रिय है उनको हमने रखा है आर्मिनाइड। हमने मतलब जो डॉक्टर बी एस गुहा है उन्होंने ये वर्गीकरण दिया। क्या विशेषता है? गोरा रंग होता है, पतली नाक, कद औसत, चौड़ा सिर, शरीर पर बहुत अधिक सारे बाल, इनकी शारीरिक विशेषता है। इसी प्रकार से छठा जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण है नॉर्डिक। नॉर्डिक जो है ईसा से लगभग 1500 वर्ष पहले मध्य एशिया से प्रवचित यानी माइग्रेट होकर, माइग्रेट क्यों हुए? क्योंकि वहां पर एक नई नॉर्डिक, नॉर्डिक को भी किसी ने धकेला। तो ये सबसे बाद में आने वाली प्रजाति है और आखिर कहां बसे? पंजाब में। पंजाब के बाद ये गंगा यमुना की घाटी में बंगाल तक पहुंच गए और फिर महाराष्ट्र में भी इस प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। इन वर्ग में मिश्रण सबसे कम हुआ, क्योंकि सबसे बाद में आए इसलिए मिश्रण होने की संभावना न के बराबर होती। तो शारीरिक गठन बहुत अधिक सुडोल, क्योंकि प्रजातियों का मिश्रण जातियों में नहीं होता, उनका शरीर जो है सुडोल पाया जाता है, एक ही प्रकार का गुण उसमें दिखने को मिलता है। तो कद लंबा, चेहरा सुगठित, उभरी ठुड्डी, सुडोल नाक, गोरा सांवला रंग, गेहुआ रंग भी मिलता है, बाल सुनहरे, नीली आंखें इनको देखने को मिलती है, ये विशेषता जो काके शाइड में भी देखने को मिलती है, चौड़ी छाती, पतले होठ इनकी विशेषता है। तो नॉर्डिक को हम काफी हद तक काके शाइड के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इस प्रकार से बी एस गुहा ने 6 प्रकार की प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और 2 तथ्यों पर विशेष जोर दिया। सबसे पहले कि निग्रिटो जो प्रजाति है वो भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति, और दूसरा कहा कि भारत में चौड़े सिर वाली प्रजाति के अस्तित्व को भी महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। डॉक्टर कीत भी इनके संदर्भ में कहता है कि भारत में चौड़े सिर वाले व्यक्ति बहुत अधिक पाए जाते हैं, जो कि अभी शंका का विषय है, ठीक है। निग्रिटो प्रजाति को उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा ओरिजिनल जो है वो निग्रिटो है, उसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं हुआ है, ये प्रमाणित करना कठिन है। गुहा ने हट्टन द्वारा प्रतिबद्ध नामावली का प्रयोग किया है, इसलिए उसमें अस्पष्टता आई है, यानी इस वर्गीकरण को ज्यादा मान्य नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार से जो है मजूमदार जो सर है डॉक्टर डी एन मजूमदार, उन्होंने कहा है कि भारत की प्रजातियों की विस्तृत व्याख्या तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ की मूल प्रजाति के संदर्भ में अनेक निष्कर्ष दिए हैं। डॉक्टर गुहा और हट्टन के इस निष्कर्ष से मजूमदार सहमत नहीं है कि निग्रिटो भारत की मूल प्रजाति है, ये मजूमदार सार नहीं कहते। वो कहते हैं कि भारत की मूल प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड ही है। उन्होंने कहा है कि निग्रिटो के स्थान पर प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड प्रजाति सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड या इंडो ऑस्ट्रलॉइड को भारत की सबसे प्राचीन आदिकालीन माना जाता है। देर आर देर फॉर मोर सीजन्स देन वन वी थिंक टू रिगार्ड द अर्लिएस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया एज प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड और इंडो ऑस्ट्रलॉइड। तो उनके संबंध में इन्होंने बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए हैं, तो ये आप तर्क यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने क्यों प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड को सबसे प्राचीन माना है और निग्रिटो को प्राचीन नहीं माना है। तो ये जो वर्गीकरण था बी एस गुहा का था, तो बी एस गुहा ने अपना जो प्रजाति वर्गीकरण दिया भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में जो प्रजाति वर्गीकरण दिया उसके अंतर्गत उन्होंने जो प्रकार बताए, तो निग्रिटो सबसे पहला, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड, तीसरा है मंगोलॉइड, चौथा जो है
वह वर्गीकरण है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय को भी इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया। इसके बाद चौड़े चीर वाली जो प्रजाति है ब्राचिशेफाली क्रेसिस, उसको भी इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया, और छठी है नॉर्डिक। तो इस प्रकार से इन्होंने बीएस गुहा ने अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया भारतीय प्रजातियों के संदर्भ में। धन्यवाद। और प्रजाति का जो चैप्टर है वो यहाँ पर पूर्णतया समाप्त होता है। आगे नए चैप्टर के लिए हम वापिस पढ़ेंगे अगली क्लास में।